खबरों में आगे बढ़ते, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा है। कल वो उत्तर प्रदेश में रहेंगे और इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल यूपी दौरा है, लखनऊ और मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे शाह। कल 11 बजे लखनऊ में उनका कार्यक्रम है, फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। लखनऊ में मिर्जापुर के लिए रवाना होंगे और उसके बाद मिर्जापुर में माँ विद्यावासिनी के दर्शन करेंगे, विद्यावासिनी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे और इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कल यूपी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह और इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। लखनऊ और मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। आपको बता दें कि इस दौरान वो कई परियोजनाओं का स्वागत भी देंगे प्रदेशवासियों को, फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे, उसके बाद विंध्यवासिनी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे और इस दौरान सीएम योगी उनके साथ भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिर्जापुर दौरा है, कल विंध्य कॉरिडोर का करेंगे शिलान्यास दोपहर 2:40 पर और उसके बाद शाम को 4:45 पर वो मिर्जापुर के लिए रवाना होंगे। जीआईसी मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कल गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा है, वो यूपी के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो कई परियोजनाओं का स्वागत देंगे लोगों को और जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे, लखनऊ से मिर्जापुर के लिए रवाना होंगे और यहां पर मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे और उसके बाद वो विंध्यवासिनी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और कहीं ना कहीं चुनाव से पहले उनका ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह और इस दौरान मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे, विंध्यवासिनी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे और चुनाव से पहले उनका ये यूपी दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे और कई कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं 2022 चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक होने के कारण उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि कल विंध्यवासिनी मां के दर्शन के लिए मिर्जापुर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, उसके बाद वो मिर्जापुर के लिए रवाना होंगे। इस दौरान अमित शाह मां विंध्यवासिनी के दर्शन भी करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था की वजह से आम लोगों को 2 घंटे तक दर्शन की मनाही होगी और क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं प्रदेश में और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान 288 करोड़ की 90 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मिर्जापुर में अमित शाह का 3 साल का में ये दूसरा दौरा है, मिर्जापुर में अमित शाह का 3 साल में ये दूसरा दौरा है और ऐसे में चुनाव से पहले ये सभी दौरे काफी अहम माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, ऐसे में ये कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इसके ऊपर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय जुड़ चुके हैं। विजय, कल गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, ऐसे में चुनाव से पहले ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनाव से पहले काफी चर्चा है इस पूरे दौरे को लेकर के, हालांकि जरूर है कि इस पूरे दौरे को लेकर के लखनऊ और विंध्याचल का ही 2 कार्यक्रम बताया जा रहा है, लेकिन जाहिर है कि अगर गृह मंत्री यहां पर आ रहे हैं, इसके पहले भी वो प्रभारी रह चुके हैं, इसके पहले भी उनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष पद रह चुका है और उत्तर प्रदेश में जो है उन्होंने काफी मेहनत भी की थी, उत्तर प्रदेश में काफी हलचल भी उन्होंने बढ़ाई थी, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है उनका दौरा, क्योंकि यहां पर जो जानकारी आ रही है कि इस दौरे के दौरान जो है वो
सिर्फ मुख्यमंत्री के अलावा यहाँ पर संगठन के भी कुछ चेहरे जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ दोनों ही मुख्यमंत्री भी रहेंगे, तो ये कहा जा सकता है कि एक कोर बैठक जो है वो इस दौरे को दौरान देखी जा सकती है, क्योंकि जो चेहरे उनके साथ रहने वाले हैं लखनऊ में उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव मौर्य जी, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, संगठन मंत्री यहाँ पर सुनील बंसल, ये सभी मौजूद रहेंगे। तो जाहिर है कि काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। हालांकि आज ही की कल ही के दिन वो विंध्याचल भी रहेंगे, विंध्याचल कॉरिडोर का भी कार्यक्रम रहेगा। हालांकि उस दौरान सिर्फ उनके साथ मुख्यमंत्री ही रहेंगे, लेकिन सुबह जो 10 बजे का कार्यक्रम है यहाँ पर अमौसी पेपरसंड के पास में सरोजनी नगर में, जहां पर ये यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करना है, इसकी शुरुआत करनी है फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का, वहां पर यह कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर एक छोटी जनसभा की भी बात कही जा रही है कि वहां पर एक छोटी जनसभा भी रहेगी। तो ये पूरा कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को भी इस पूरे दौरे के दौरान मुलाकात कराने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण पॉलिटिक्स को भी यहां पर जोर दिखता हुआ दिख रहा है कि जो ब्राह्मण नाराज है, जो उनकी नाराजगी है, उस पर सीधे यहां गृहमंत्री की मुलाकात या उनके कार्यक्रम को तय किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा यह कहा जा सकता है कल अमित शाह का, क्योंकि इस पूरे दौरे के दौरान पूरी हलचल कई दृष्टिकोण से देखी जा सकती है। यहां पर इतने कोर कमेटी के चेहरे के साथ साथ में यहां पर सबसे खास बात यह है कि प्रबुद्ध वर्ग यानी ब्राह्मण वर्ग को यहां पर एक बार फिर से अपनी तरफ खींचने की कोशिश जो है वो भाजपा करेगी, और उसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम भी इससे पहले भाजपा चला भी रही है, चाहे आशीर्वाद यात्रा हो, या इसके पहले आप यहां पर गुरु पूर्णिमा पर जो गुरुओं का पूजन था, या इसके बाद इस भी जो यहां पर परशुराम की मूर्ति कार्यक्रम को भी इन्होंने तेजी के साथ आगे बढ़ाया, और अब गृहमंत्री की मुलाकात प्रबुद्ध वर्ग के साथ पे, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर के यहां पर कल एक तेजी दिख सकती है और काफी बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। जी विजय, सीए गृहमंत्री अमित शाह का दौरा है, ऐसे में चुनाव से पहले वो प्रदेशवासियों को बहुत बड़ा तोहफा देने वाले 288 करोड़ का परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि दो स्थानों पर उन्हें परियोजनाओं की घोषणा करनी है, शिलान्यास करना है, जो कि जिसमें पहला सरोजनी नगर के पास में एक फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का पूरा यहां पर कार्यक्रम है, और दूसरा विंध्याचल कॉरिडोर है, और दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा कॉरिडोर वही है जिसकी घोषणा पहले ही प्रधानमंत्री की तरफ से की गई थी कि पूरा डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ये विंध्याचल कॉरिडोर होकर के ही निकलेगा, यानी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इस कॉरिडोर का निर्माण होने के साथ साथ में उद्योग धंधे वहां पर तेजी से विकास कार्य और के साथ साथ रोजगार, ये तमाम चीजें जो है वो प्रदेशवासियों के को मिलने वाले हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है सभी दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, रोजगार के दृष्टिकोण से, और कहा जाए 2022 चुनाव के दृष्टिकोण से। तो ये इन सब विषयों को लेकर के ही इसकी चर्चा काफी तेज है, और पक्ष विपक्ष दोनों ही इस विषय पर चर्चा लगातार तेज कर रहे हैं, दोनों ही तरफ से इस पर बयान आ रहे हैं। जहां पर विपक्ष इस दौरे को देरी से बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इस दौरे से काफी ज्यादा उत्साहित है। विजय, यहाँ पर वो आने के बाद वो संगठन के मंत्रियों से भी बातचीत करेंगे, तो हम साफ कह सकते हैं कि 2022 चुनाव नजदीक है, इसको लेकर वो एक रोड मैप भी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा आपसे कि यहाँ पर जो मुलाकात होनी है वो यहाँ पर पूरी कोर कमेटी की पूरी मुलाकात यहाँ पर रहेगी गृहमंत्री के साथ में, जिसमें सीएम रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, संगठन मंत्री रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे। तो ये मुलाकात महत्वपूर्ण मुलाकात है, संगठन के भी लोग रहेंगे, सरकार के भी लोग रहेंगे, तो यहाँ पर एक बातचीत जरूर हो सकती है, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ में यहाँ पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा विंध्याचल कॉरिडोर के दौरान जाएंगे तो वहां पर भी मुख्यमंत्री के साथ में जो वहां के जो लोकल नेता हैं, जो वहां के विधायक हैं, जो वहां के संगठन के जो लोग हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकात है। तो जाहिर है कि एक महत्वपूर्ण दौरा इसे कहा जा रहा है। जी विजय, और इस दौरान सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देखिए, गृह मंत्री अगर आ रहे हैं तो जाहिर है कि सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही काफी ज्यादा सक्रिय हैं, चाहे लखनऊ का उनका हो कार्यक्रम, वहां पर भी सुरक्षा को लेकर के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। विंध्याचल जाना है तो वहां के भी जो चेकिंग से लेकर के सारी चीजें जो हैं वो यहां पर पुलिस के पूरे नजर में है, यानी लगातार उसकी चेकिंग से लेकर कहां पर जाना है, कहां पर पूरा कार्यक्रम है, उसका पूरा डेमो पुलिस एक बार करके देख चुकी है। तो सुरक्षा के इंतजाम को यहां पर पूरी तरह से सख्त रखा जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री का पूरा दौरा है, गृह विभाग से जुड़े हुए हैं, और जाहिर है कि केंद्र से आ रहे हैं, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं बल्कि सेंट्रल के भी जो सुरक्षाकर्मी हैं वो दोनों ही स्थानों पर सुरक्षा के दौरान मौजूद रहेंगे। जी विजय, 2022 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, और कहीं ना कहीं बीएसपी ब्राह्मण कार्ड खेल रही है, तो वही अब बीजेपी भी ब्राह्मण कार्ड खेलने के लिए बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है।
है आपसे कि प्रबुद्ध वर्ग के साथ जो बैठक है वो इसीलिए ही हो रही है कि वो ब्राह्मण वोटर्स को अपनी तरफ लुभाना है और ये पूरे कार्यक्रम के तहत ही रखा गया है। आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आशीर्वाद यात्रा जिसका जिक्र मैंने अभी किया, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्रबुद्ध वर्गों के साथ यहाँ बैठक, इसके साथ साथ आरएसएस ने इससे पहले ही गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं के साथ में पूरा, साथ ही साथ परशुराम की जो मूर्ति सबसे अभी बुलंदशहर में लगी है उसको भी लेकर के चर्चा। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर इस समय भाजपा का फोकस्ड हो गया है और लगातार इसकी तरफ उनका फोकस्ड है और प्रबुद्ध वर्ग के साथ में बैठक का पूरा कार्यक्रम भी इसी दृष्टिकोण के तहत है। जी बिल्कुल विजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी भी शुरू कर लेते हैं।